गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज अमर सर और मैं आज आपको आर्टिकल पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है, ट्वेल्थ के एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। एक्चुअली इसमें जो है करीब करीब 51 रूल्स होते हैं, लेकिन मैं आपको 9 रूल्स में ही सारे 51 रूल्स को खत्म कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊंगा यूज ऑफ द, मतलब द का प्रयोग, और यूज ऑफ ए और एन, मीन्स ए और एन का प्रयोग, मतलब द का प्रयोग कहां करेंगे उसको देखेंगे, और एन का प्रयोग कहां करेंगे उसको देखेंगे। तो चलते हैं। एक्चुअली ये वीडियो कम मिनट का होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली मैं आपको बता दूं कहां पे प्रयोग करेंगे और कैसे कैसे करेंगे। एक्चुअली ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आप ये जो चैप्टर है वो आप 10 मिनट पढ़ के आप सारे चीज को समझ लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जानते हैं कि आर्टिकल होता क्या चीज है। तो आर्टिकल जो है वो कोई वर्ड नहीं है, या समझ सकते वो लेटर है या ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो हमें नाउन आने की सूचना देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ए एन द का प्रयोग किया है तो इसका मतलब ये कि उसके बाद आपका कोई ना कोई नाउन आएगा, ये बात तय रहता है। तो वो वर्ड जो हमें नाउन आने की सूचना दे उसे हम आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक होता है डिफिनिट, एक होता है इंडिफिनिट। तो द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो अभी चलते हैं हम डिफिनिट आर्टिकल के प्रयोग में। पहला प्रयोग आपका जो है द का प्रयोग यहां पर देख लेते हैं। तो माउंटेन, मतलब द का प्रयोग हम किस किस चीज के नाम से पहले करेंगे, इस चीज को आप सिर्फ देख लेंगे। तो द का प्रयोग हम माउंटेन रेंज से पहले करते हैं। आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, इस द्वीप के नाम से पहले करते हैं। डेजर्ट के नाम से पहले करते हैं, डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल। रिवर का मतलब होता है नदी के नाम से पहले करते हैं। अगर मैंने बताया को माउंटेन रेंज का मतलब होता है, जैसे हो गया आपका द हिमालय, ठीक है, द हिमालय, इस प्रकार से। आइलैंड का बात करें तो आइलैंड का मतलब होता है द्वीप। हमारे देश में बहुत सारे द्वीप हैं, जिसमें से अंडमान निकोबार प्रमुख है, लक्षद्वीप भी है। तो द अंडमान निकोबार एंड द लक्षद्वीप। डेजर्ट का नाम अगर दे तो भारत में डेजर्ट है थार डेजर्ट, तो द थार डेजर्ट, द कालाहारी डेजर्ट, इस प्रकार से। आगे चलते हैं रिवर, रिवर के नाम में तो द गंगा, द यमुना, द कृष्णा, द गोदावरी। ओशियन, पूरे विश्व में 7 ओशियन होते हैं, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन, इस प्रकार से। तो जितने सारे ओशियन के नाम होते हैं उसके पहले द का प्रयोग। सी, जितने सारे सी का मतलब होता है सागर, जितने सारे सागर होते हैं उन सारे सागर के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द कैप्सियन सी, रेड सी मतलब लाल सागर, द ब्लैक सी, द येलो सी, द कैप्सियन सी, द अरेबियन सी। तो सी के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। बे, बे का मतलब होता है खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल, मतलब अरब सागर की खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ चाइना। तो इस प्रकार से जो है हम बे से पहले, बे का मतलब होता है खाड़ी, तो खाड़ी के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। कैनल, कैनल की बात करें तो वो होते हैं आपका नहर। पूरे भारत में एक ही नहर है जो सबसे बड़ी नहर है, उसको कहते हैं इंदिरा गांधी कैनल, जो राजस्थान राज्य में है। तो इस कैनल के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा द पनामा कैनल, द स्वेज कैनल, आपने सुना होगा, तो उस कैनल के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं प्लैनेट।
प्लैनेट 9 होते हैं, अब 8 हो गए हैं, प्लूटो को हटा दिया गया, वो ड्वार्फ प्लैनेट है। तो जितने सारे विश्व में यानी दुनिया में प्लैनेट हैं, उन प्लैनेट के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द अर्थ, द मरकरी, द यूरेनस, द नेपच्यून, इस प्रकार से। इसके बाद हो गया हेवनली बॉडीज, मैं स्क्रीन पे बता रहा हूं, उसको आप स्लो करके देख सकते हैं। हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज का मतलब होते हैं ऐसे ऐसे पिंड जो आकाश में विचरण करते हो, यानी खगोलीय पिंड। आकाश में विचरने वाले बहुत सारे ऐसे पिंड हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, जैसे हो गया तारा, एस्टेरॉइड, कॉमेट, जिसको आप लोग जो पूछल तारा कहते हैं, ठीक है ना। तो उन चीजों के नाम से पहले मून, ठीक है ना, इन सारे खगोलीय पिंड के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो हेवनली बॉडीज के नाम से पहले जैसे द स्टार, द मून, द कॉमेट, द एस्टेरॉइड। आगे चलते हैं नेचुरल थिंग। नेचुरल थिंग का मतलब होते हैं जितने सारे प्रकृति की चीज है उसके पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हो गया द सन, जो कि एक स्टार ही है, द सन, द अर्थ, द मून, द स्टार, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, इस प्रकार से, ठीक है। नंबर 5 में चलते हैं, आपका आता है नेम ऑफ सिनेमा, सर्कस, थिएटर। जितने सारे सिनेमा का नाम होते हैं उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द अप्सरा, द सावित्री जो कि बेगूसराय में है, द चित्रवाणी जो बेगूसराय में है, उसके पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, द अलका। तो ऐसे फेमस फेमस सिनेमा हॉल के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, द रीजेंट, द अप्सरा, द मोना, इस प्रकार का। नेक्स्ट में है सर्कस। अभी आप लोग का जन्म उस समय नहीं हुआ होगा जिस समय सर्कस आया करता था, तो कोई भी आदमी सर्कस का नाम बता सकते हैं? एक भी आदमी सर्कस का नाम? डिज्नीलैंड, वो नाम हुआ सर्कस के नाम में। अगर चलते हैं तो सर्कस के नाम में पहला सर्कस अमर सर्कस, जो मेरे नाम से है, जेमिनी सर्कस, ठीक है ना, जेमिनी सर्कस, और एलिफेंटन, क्या बोल रहे, ठीक है। तो अमर सर्कस, जेमिनी सर्कस, ये दो सर्कस काफी फेमस है, ठीक है। इसके बाद थिएटर, थिएटर के नाम से पहले द का प्रयोग, द अप्सरा थिएटर, द रिजेंट थिएटर, इस प्रकार से। आगे चलते हैं नेम ऑफ ट्रेन। तो नेम ऑफ ट्रेन, ट्रेन के नाम से पहले हम द का प्रयोग, द राजधानी एक्सप्रेस मींस द कैपिटल एक्सप्रेस, द जन शताब्दी, द राजरानी, ट्रेन का नाम द विक्रमशिला, द गरीब रथ, इस प्रकार से। एरोप्लेन के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, एरोप्लेन का नाम में द एयर इंडिया, द किंगफिशर, द अमेरिकन, द अमेरिकन एयरलाइंस, द इंडियन एयरलाइंस, इस प्रकार का। शिप, शिप का मतलब होता है पानी वाला जहाज। पानी वाला जहाज के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे हो गया आपका द विक्रांत, जो कि भारत का सबसे बड़ा जहाज था, लड़ाकू जहाज था ये द विक्रांत। इसके बाद द टाइटेनिक जो डूब गया था, सभी को पता होगा, ठीक है। तो बड़े बड़े जहाज के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आर्म फोर्स। आर्म फोर्स 3 होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे होते हैं नेवी, तो द नेवी, आर्मी, तो द आर्मी, और एक एयरफोर्स, तो द एयरफोर्स, इस प्रकार का। नंबर नेक्स्ट, नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पहले ये मुझे बताइए, इस भारत में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसके बहुत सारे नाम मैं भी नहीं जानता, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, द आरजेडी, द आम आदमी पार्टी, और आप किस पार्टी को पसंद करेंगे वो कमेंट करके दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है चलते हैं गवर्नमेंट ब्रांचेस। सभी को पता होगा, अगर आपने सिविक्स पढ़ा होगा तो गवर्नमेंट की जो ब्रांचेस होती है वो 3 होते हैं, न्यायपालिका,
विधेय पालिका, कार्य पालिका। इंग्लिश में अगर चलते हैं जुडिशियरी, एक्सिक्यूटिव, इस प्रकार के होते हैं। तो जितने सारे गवर्नमेंट के जो ब्रांच होते हैं, जुडिशियरी, ठीक है, एक्सिक्यूटिव, इस प्रकार के जो ब्रांच होते हैं उनके ब्रांच के नाम से पहले हम दाखा प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, नेम ऑफ डिजीज, फिजिकल पोजिशन। डिजीज कुछ ऐसे बीमारियां होते हैं जिनके नाम से पहले हम दाखा प्रयोग करते हैं, जैसे हो गया द कैंसर, ठीक है, द डेंगू, इस प्रकार का। लेकिन मैं आपको लिस्ट में, मैं आपके लिंक में बताऊंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा कि कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जिन बीमारी के नाम से पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए उन सारे बीमारियों का नाम याद रखेंगे जिसके पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो आगे फिजिकल पोजिशन, फिजिकल पोजिशन का मतलब होते हैं आपका जो अवस्थाएं होती है, ठीक है, फ्रंट, बैक, फ्रंट, बैक, ठीक है ना, लेफ्ट, राइट, मिडिल, इन सारे फिजिकल पॉइंट के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। टॉप, बॉटम, तो द टॉप, द मिडिल, द लेफ्ट, द राइट, द ईस्ट, द वेस्ट, ये सारे डायरेक्शंस के नाम और फिजिकल पोजीशन के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। लास्ट, एसडी ऑफ एडजेक्टिव। एसडी ऑफ एडजेक्टिव का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आपके पास एक एडजेक्टिव है जैसे हॉट, हॉट का कंपैरेटिव डिग्री होगा हॉटर और सुपरलेटिव होगा हॉटेस्ट। तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री के नाम से पहले एडजेक्टिव पहले हम दाखा प्रयोग, द फैटेस्ट, द हॉटेस्ट, द सेक्सीएस्ट, द वाइजेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, इस ये सब। एडजेक्टिव यूज एज नाउन मीन्स ऐसे नाउन जिसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में आप यूज करते हैं, जैसे गरीब लोग ईमानदार होते हैं, द पुअर आर ऑनेस्ट। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट पुअर है जो कि एडजेक्टिव है, जैसे अगर आप देखें तो अगर एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन के अर्थ में हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, उसके पहले हम दा का प्रयोग, द पुअर आर ऑनेस्ट, द रिच आर हैप्पी, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए, ये मैंने आपको द का प्रयोग बताया है। मैं थोड़ा सा एक्चुअली इसमें टाइम कम है, इसलिए मैं जल्दी में बताऊंगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को, छात्र को किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं या कॉल करके 8 से 8:30 के बीच में पूछ सकते हैं कोई भी तरह की समस्या। ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग जो है हम कहाँ कहाँ करते हैं इसके बारे में देखना है। बिल्कुल सिंपल, आप उनको जानते होंगे कि वोवेल्स पहले ए, सॉरी एन, और कंसोनेंट्स पहले ए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ए और एन का प्रयोग सिमिलर काउंटेबल नाउन, सिमिलर काउंटेबल नाउन का मतलब होता है एक वचन नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे हो गया आपका ये मार्कर, तो ए मार्कर, टी शर्ट तो ए टी शर्ट, ठीक है, जीन्स तो ए जीन्स, पेन तो ए पेन, लेकिन जो हम हेयर को तो गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो बताया गया है वो ए और एन का प्रयोग हम उस नाउन से पहले करेंगे जिसको आप गिन सकते हो, वो सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, एक्सक्लेमेशन एक्सप्रेशन। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपने कोई आदमी को देखा, लड़का को देखा, लड़की को देखा, और आपके मुंह से अचानक निकल जाते हैं वाव, व्हाट ए गर्ल, यहाँ पे वाट के बगल में जो आप गर्ल बोलते हैं, यह एक्सक्लेमेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बोला जाता है। तो व्हाट ए गर्ल आपका क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुए, और गर्ल आपका नाउन है, इसलिए उसके पहले ए का प्रयोग। व्हाट ए जोक, करण अर्जुन फिल्म में आपने देखा होगा व्हाट ए जोक, तो व्हाट ए जोक जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। तो एक्सक्लेमेशन एक्सप्रेसिंग वाले सबसे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, इस प्रकार।